लाइट को पता है सब इनके बारे में? हमारी पहले मीटिंग हो चुकी है। हाँ अच्छा, अरे भैया बड़े वाले हैं भाई, आर्टिकल हो गया। हाँ हाँ भाई, अरे अच्छा तो ये मोहल्ला सी तो बहुत खुशी की बात है, ये फिल्म सेंसर में बैन हो चुकी है। जी जी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय इस फिल्म को लगाया है और इस फिल्म में बड़ी हमारी तारीफ हो। मैं धन्यवाद दूंगा पब्लिक का और धन्यवाद। डिसेंट बॉय है ये, एजुकेशन सिस्टम पे एक सटायर है, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एक कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से पैसा कमाने का एक इंस्टीट्यूशन भी बनता जा रहा है, तो उस पर एक सटायर है, उस पर एक कहानी है। तो ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्र में कितने माता पिता या एक मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास परिवार एक फीस या डोनेशन देने के काबिल नहीं रहता, अपने ज़मीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, जेवर गिरवी रखते हैं। और सरकारी स्कूलें अच्छी होती हैं, हम भी सरकारी स्कूल के छात्र हैं, तो हमने सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जो हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए, तो हम वो ये उस सिस्टम को लेके हम लोगों ने एक कहानी गढ़ी है। और बॉबी खान जिसको लिखे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और उन्नाव में पूरी फिल्म हम लोग ये कर रहे हैं, और क्षेत्रीय कलाकार इसमें काफ़ी हैं, लखनऊ के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं, और गोविंद नामदेव जी हैं इसमें, राजन मोदी हैं इसमें, दो चार बड़े नामचीन थिएटर के एक्टर हैं, बाकी सब लखनऊ के थिएटर के एक्टर्स हैं। तो जो मेरा सपना था हमेशा कि वो उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो, या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कलाकारों को काम मिले, या हमारी ज़मीन पर लोगों को काम मिले, और आज वो सपना मेरा काफ़ी पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इस वक्त 3 फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, और लगातार उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ता जा रहा है, और इस बात की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा हो रही, क्योंकि ये 17 साल पहले से हमने ये लड़ाई लड़ी थी कि मैं चाहता था उत्तर प्रदेश के कलाकारों को और उत्तर प्रदेश में लोग आएँ शूटिंग करने, और यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, और वो सपना मेरा पूरा होता जा रहा है। यूपी में उन्नाव ही चुना गया, ऐसा क्या खास लगा? उन्नाव हमको बहुत पसंद आता है, उन्नाव पास में है, एयरपोर्ट है, लखनऊ शहर पास में है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बड़े शांति प्रिय लोग हैं, सो शूटिंग फ्रेंडली जगह है पूरा उत्तर प्रदेश। उन्नाव में हमारी लोकेशन के अनुसार हम लोगों को स्कूल मिल गई, हमारी लोकेशन के हिसाब से हमको कुछ जगह मिल गई, तो हम लोग यहाँ पर जहाँ पर आप लोग खड़े हैं हमने इस लोकेशन को अपना बेस बनाया। ये फिल्म आ जानी चाहिए नवंबर है, मार्च में, गर्मी में आ जाए। क्या मोटिव है मूवी का? बेसिकली ये एक हिंदी फिल्म है जो कि एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ है, डिसेंट बॉय इसका नाम है, और ये यूपी बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड के बीच का संघर्ष है, इस वजह से उन्नाव को चुना गया है, क्योंकि हमें जिस तरह का स्कूल चाहिए था वो हमें उन्नाव में मिला, और एक एम्बियंस चाहिए था, एक माहौल, एक एटमोसफियर इस फिल्म के लिए चाहिए था, इस वजह से उन्नाव को चुना गया है।